हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे मेरी तरह। तो टाइम हो गया पौने एक, और अभी मैंने ना पूरी बेडरूम की जो है क्लीनिंग करी है, हमारे वाले बेडरूम की। एक दो दिन में मैं बच्चों वाले बेडरूम की उसकी भी क्लीनिंग करूँगी। मैंने सारा बेडरूम, ये देखिए, पूरा ऊपर से जाले वगैरह सब क्लीन कर लिए हैं, और बालकनी की भी आज बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी है। ये देखिए जो हमारे बेडरूम में बालकनी है ना, उसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी है। अपने बेडरूम की भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी है। और बस एक दो दिन में ना ये जो बेडशीट है इसको चेंज करूँगी। अभी सारे घर की जो बहुत अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग करी है, इसलिए मुझे आज पौने एक हो गया है। और लंच मैंने बना लिया है थोड़ी देर में, अभी मैं और शिल्पी लंच करेंगे। अभी वो थोड़ा सा काम कर रही है अपना। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने जो है विसर्जन कर दिया था, जो माता की मैंने खेतरी वगैरह बीजी थी ना, उनका विसर्जन भी कर दिया। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं उस दिन ना अपना फ़ोन लेके जाना ही भूल गई थी, चार्जिंग पे लगाया और वहाँ जाके मुझे याद आया कि मैं तो फ़ोन नहीं लेके आई हूँ। तो मैंने हस्बैंड के फ़ोन से जो है थोड़ा सा शूट किया, उनको बोला कि मेरा थोड़ा सा शूट कर दो। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा शूट करके दिया, फिर वहाँ पे पुलिस वगैरह आ गई, तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से, ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। तो ये देखिए किचन वगैरह जो मेरा सारा क्लीन हो चुका है, और यहाँ पर मैंने रखे हैं ये जो सारे मैंने चौकी से उठाए थे ना सारा सामान, यहाँ पे वॉशिंग मशीन के ऊपर मैंने रखा है। तो इसको आज दिन में मैं सारा साफ़ करूँगी, ये बर्तन वगैरह सारे, ये जो लोटे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये सब मैंने यहाँ पे ही रखा हुआ है ताकि मुझे सामने याद रहे। और ये देखिए यहाँ पे ना इस तरह से छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, मैंने यहाँ पे कलश रखा हुआ था, ये देखिए कि इस तरह से ना ये दाग हो जाते हैं। बस इनको हल्का सा हाथ से साफ़ करूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगे। और ये सारे बर्तन जो हैं इनको भी सारे अच्छे से क्लीन करके धो के फिर सुखा के धूप में ना फिर दोबारा रखूँगी। तो आज दिन में ये करूँगी, नहीं तो फिर शाम को करूँगी, क्योंकि अभी टाइम जो है काफ़ी हो चुका है, पौने एक हो गए हैं। और इस तरह से ना मेरे पास तीन लोटे हैं, एक मैं जो डेली यूज़ करती हूँ और दो ये मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, और दिए वगैरह भी मेरे पास और हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इस तरह से ढक्कन लग जाता है, तो जैसे पंखा चलता है या हवा चलती है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इससे क्या होता है जो हमारी ठंडी नहीं होती है बहुत जल्दी। और एक दो दिए और है वो बहुत अच्छे, फूल की तरह खिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है बाहर की तरफ ना ऐसे कांच लगता है, लेकिन वो कांच जो है यहाँ पे शिफ्टिंग में टूट गया, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी दिवाली पे देखूँगी ये कांच लेके आऊँगी। और ये कटोरी जो है ना ये भी बहुत अच्छी रहती है, ये देखिए इस तरह से अगरबत्ती लगाने के लिए ना ये कटोरी बहुत अच्छी रहती है। आप कितनी भी अगरबत्ती लगाइए इसमें, जो भी इसका जो अगरबत्ती का होता है ना एक्स्ट्रा, वो इसके अंदर ही गिरता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है हमारा। तो ये सारा सामान जो है इसको सारे को अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर रखूँगी, क्योंकि अभी दिवाली पे भी चाहिए। और उससे पहले करवा चौथ आ रही है, और दिवाली से पहले आ रही है करवा चौथ। 8 या 9 दिन रह गए हैं करवा चौथ को। तो किस किस की करवा चौथ की तैयारी हो गई है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, आपने क्या क्या शॉपिंग कर ली है। मैंने अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं की है, और सोच रही हूँ कि एक दो दिन में जाऊँगी तो जो भी सामान लेना है करवा चौथ का सारा एक साथ ही लेके आ जाऊँगी। मेरे पास छन्नी तो है रखी हुई लास्ट ईयर की, तो छन्नी तो मैं नहीं लूँगी, बाकी का सामान जो भी होता है करवा चौथ का, ड्रेस वगैरह, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, काजल, सब कुछ, मेहंदी वगैरह सारा एक साथ ही लेके आऊँगी। मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ, कल संडे है और नहीं या तो फिर मंडे या ट्यूसडे को जाऊँगी। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के साथ बेल को ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो मिलती रहे टाइम टू टाइम, और आप मेरी वीडियो को जो इन्जॉय कर पाओ। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, जो आज मेरा व्लॉग जाएगा उसकी एडिटिंग थोड़ी सी बाकी है, और बाकी का जो काम होता है, जो भी आगे का प्रोसेस होता है, वो सब करके उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। कल ना थोड़ा सा सामान लेके आए थे, तो राशन वगैरह जो भी होता है घर का, ग्रॉसरी जो भी ख़त्म हो जाती है वो लेके आई थी थोड़ा आराम से बैठ जाती हूँ, और जो भी किचन का छोटा मोटा सामान होता है, ये देखिए उड़द दाल है, ये साबुत उड़द दाल है, ये कसूरी मेथी जो कि बहुत ज़रूरी होती है आजकल खाने में, लाल मिर्ची, सफ़ेद चने, और है ये फॉइल पेपर, ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि जो टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है ना उसमें बहुत ज़रूरत लगती है। तो ये अगरबत्ती, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। फिर थोड़े बहुत मसाले हैं जो कि जैसे ये सांभर मसाला है, और यहाँ पे ज़्यादातर ना बादशाह या एवरेस्ट इस टाइप के मसाले मिलते हैं, MDH का नहीं मिलता है। तो ये है, फिर ये पाव भाजी का, और क्या है, ये हस्बैंड ने एक नमकीन लिया मिक्स,
ये काफ़ी अच्छी लगती है वैसे खाने में ना। चावल है, चाय पत्ती इस टाइप से, ये साबुन, सर्फ एक्सल, काले चने, और है पीताम्बरी, ये भी बहुत ज़रूरी लगती है। हाँ, इस बार मैंने कंडीशनर चेंज किया है, काफ़ी टाइम के बाद मैं लेके आई ये वाला कंडीशनर, देखती हूँ ट्राई करके कैसा लगता है। और ये स्क्रब भी लेके आई हूँ बर्तन धोने का, क्योंकि जो गाला का स्क्रब पैड आता है वो मेरे पास है अभी ऑलरेडी, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, लास्ट मंथ ही लेके आई थी, दो तीन महीने तो आराम से चल जाता है। ये टूथपेस्ट सिंपल वाला, कोई सॉल्ट नहीं, कुछ नहीं। और ये मोनाको बिस्किट, ये शिल्पी के बहुत फेवरेट हैं, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। फिर जीरा, राजमा, और एक बिस्किट लेके आई हूँ मैं, ये हाइड एंड सीक, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखिए ये वाले। और तेल है, सरसों का तेल लेके आई हूँ, रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ डीप फ्राई करना होता है ना तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। बस ये बैटरी, जो ये घड़ियों के ये भी बहुत ज़रूरत होती है, चावल वगैरह है, आटा है, तो वो सब तो क्या दिखाना। तो ये थोड़ा बहुत सामान था किचन का जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस ये चावल है, फिर चने की दाल, उड़द की दाल, ये सब तो क्या ही दिखाना, जो रेगुलर हमारा राशन होता है वही सब। साबुन है नहाने का, और एक ये पता नहीं किस चीज़ के साथ दंत कांति पेस्ट मिला है, मुझे आइडिया नहीं है किसके साथ मिला है ये। तो चलिए अभी वो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे पूजा के, ये देखिए, तो इनको भी क्लीन करूँगी, फिर उनको धूप में रखूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत अच्छी धूप भी निकल रही है, तो ये सब। और सरसों का तेल लेके आई हूँ मैं पतंजलि का, ये देखिए। और अभी सरसों का तेल इतना महंगा हो गया ना, पूछिए नहीं, 200 कुछ रुपए का आता है, 190 रुपए का पतंजलि का। पहले सरसों का तेल बहुत सस्ता होता था, बहुत अच्छा। तो ये दो बॉटल ये लेके आई हूँ, दो बॉटल रिफाइंड ऑयल की लेके आई हूँ, दो पैकेट ये फॉर्च्यून का, ये भी काफ़ी अच्छा है, सनफ्लावर का, यही अच्छा लगता है मुझे। या फिर मैं लेके आती हूँ ज़्यादा उसका सोयाबीन का, सोयाबीन का जो रिफाइंड ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है, उसे भी आप फ्राई करोगे ना तो काफ़ी। चलिए अब मैं इसको समेट लेती हूँ सारे सामान को कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ दिया लगाने पीपल में।